एशिया कप 2023 के तीसरे मैच में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ दबाव में शानदार अर्धशतक बनाते हुए अपनी छाप छोड़ी। पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेलने वाले ईशान किशन एमएस धोनी के साथ इस लिस्ट में शामिल हो गए। ईशान किशन अब एशिया कप में अर्धशतक बनाने वाले और इस प्रतियोगिता में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा करने वाले चौथे भारतीय विकेटकीपर बन गए। ईशान किशन के अर्धशतक से पहले केवल धोनी और एमसी खन्ना ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक बनाया था। धोनी ने 2008 और 2010 में दो बार यह उपलब्धि हासिल की थी। ईशान किशन उस समय बल्लेबाजी करने आए जब भारत का स्कोर 48 के स्कोर पर 3 विकेट गिरे थे। इंडिया टीम संघर्ष कर रही थी। ईशान किशन ने 81 गेंद में 9 चौके और 2 छक्के की मदद से 82 रन बनाए और अर्धशतकीय पारी खेली। सिर्फ यही नहीं, ईशान किशन का वनडे में ये लगातार 14 अर्धशतक है। उन्होंने इससे पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 52, 55 और 87 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक के साथ मिलकर 141 रन की शतकीय साझेदारी करते हुए भारत को संकट से निकाला।